हाँ तो बच्चों, इस एनिमेशन के माध्यम से हम ये समझते हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स है वो किस प्रकार अप्लाई होता है। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है 26.1 न्यूटन पर कूलाम तथा चार्ज की वैल्यू रखी है 1.4 नैनो कूलाम। अब आप देखना कि इस चार्ज पर जो 1.4 नैनो कूलाम रखा हुआ है और आपको इस एनिमेशन में रेड कलर में जो डॉट दिखाई दे रही है वो है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसको हम प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, यानी इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब हुआ जो फोर्स लगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो आप देखेंगे इस पर जो फोर्स है वो पहले की तुलना में ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं पहले ये जो रेड कलर में आपको पॉइंट दिखा रहा था वो यहाँ पर आके मीट कर रहा था, अब वो यहाँ पर आके मीट कर रहा है। जैसे इसको हम और बढ़ा दें, अब आप देख सकते हैं तो इस समय इस पर जो फोर्स लगेगा वो आप देखते हैं और ज़्यादा हो गया। वो यहाँ पर रेड कलर है वो यहाँ पर आके मीट कर रही है, क्लियर। अब यदि कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट रखें और जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, देखो 5 नैनो कूलाम रखा है और अब इसको हम प्ले कराते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ आके मीट करा, फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और बढ़ाएं, 5 से हम कर दें 9.2, आप देख सकते हैं और ज़्यादा फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग लगा है। पहले ये यहाँ आके इस प्रकार मीट कर रहा था, अब ये यहाँ पर ही कर रहा है, यानी फोर्स इस पर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और जो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा हमने देखा यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा है। अब यदि हम चार्ज को नेगेटिव लेते हैं और देखते हैं, -1 नैनो कूलाम है और जो ब्लू डॉट दिखाई दे रही है वो आपको नेगेटिव चार्ज की दिखाई दे रही है। ओके, अब प्ले करते हैं और देखते हैं, अब आप देख सकते हैं इस पर जो फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड लग रहा है, क्योंकि ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जबकि नेगेटिव चार्ज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, अब आप देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये यहाँ पर आके इधर जा रहा है। इससे पहले ये इतना जा रहा था तो यहाँ से इतना अधिक ये डेविएट हो गया, ज़्यादा अपने पथ से डेविएट हो रहा है, यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। एक बार और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम और बढ़ा दें, ये रेखाएं पास पास हो रही हैं, इसका अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब हम प्ले करके देखते हैं, अब आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, पहले वाले की तुलना में ये तेज़ी से अपने पद से डेविएट हो रहा है, अपने पद से विचलित हो रहा है। पहले यहाँ पर जा रहा था, फिर ये यहाँ पर आया और अब ये यहाँ पर आ गया। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है। अब यदि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया फोर्स बहुत तेज़ी से, क्योंकि पहले ये यहाँ तक पहुँच रहा था अब ये यहीं पहुँच रहा है, यानी फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया। अब यदि और हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं चार्ज का, -7.8 नैनो कूलाम कर दिया, तो अब देखिए ये यहाँ पर ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, पहले इस पर यहाँ पर पहुँच रहा था अब ये यहाँ पर पहुँच रहा है, तो फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। तो कहने का ये अर्थ ये हुआ कि यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और जो फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर और दूसरा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर।
जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन।